अभी ये वेदर को भी एंजॉय करते हुए हम जा रहे हैं ओल्ड टाउन में, ओल्ड सिटी में। और यहाँ के जो रोड्स हैं ना वो बहुत अच्छे हैं, आप देख सकते हो ये टाउन वाला रोड है पर इतना अच्छा लग रहा है ना देखने के लिए पूरा अपना। उड़ता हुआ पंछी, उड़ता हुआ पंछी देखिए, ये देख के एक्चुअली असली लग रहा है। तो हम देखे कहाँ से जा रहे हैं अभी, ये अपना ब्रिज है और ब्रिज के जस्ट यहाँ से नीचे से जा रहे हैं, ये देखिए बाप रे। जो कि होयान का फेमस प्लेस है और ये जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये जो घर है ये एक्चुअली यहाँ के जो लोकल लोग हैं ये उनके घर है और लिटरली बहुत ही खूबसूरत है और इन्होंने उन्हीं के घर के बाजू में होम स्टे भी बनाया है जो कि बहुत प्यारे प्यारे लग रहे हैं, होम स्टे विलाज। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ का जो क्लाइमेट है क्या क्लाइमेट है, मतलब बीच में धूप आ रही है, बीच में ही बादल आ रहे हैं, धूप से हमें बचा रहे बादल। और यहाँ का जो मतलब वेदर है ना बहुत अच्छा है, ठंडा भी है और थोड़ा गर्म भी है। तो अभी ये वेदर को भी एंजॉय करते हुए हम जा रहे हैं ओल्ड टाउन में, ओल्ड सिटी में। और यहाँ के जो रोड्स हैं ना वो बहुत अच्छे हैं, आप देख सकते हो ये टाउन वाला रोड है पर इतना अच्छा लग रहा है ना देखने के लिए पूरा आप ना इजीली यहाँ से ना बाइक राइड कर सकते हो। ओके सो गाइस हम लोग को यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड दिखा था तो अभी हम लोग वहाँ पे जाने का प्लान कर रहे, देखते हैं वहाँ पे कैसा है, ये रोड से जाएंगे, लेट्स सी। अलग है, मीन्स अगर हमें वहाँ पे घूमना है तो आफ्टरनून 3 PM जाना पड़ेगा जो कि हम लोग वहाँ पे जाने का कुछ चार्जेस नहीं है लेकिन वहाँ पे जो शो होता है वो देखने के लिए हमें पे करना पड़ेगा। तो उसका कुछ 6 लाख डॉन्ग है कुछ, तो मीन्स लोकल एंड टूरिस्ट के लिए अलग अलग प्राइस है। तो अभी हम लोग फिर से यहाँ पर आफ्टरनून में आएंगे, तो अभी हम लोग फिर से जा रहे हैं अपने ओल्ड टाउन में।
कपड़ों के लिए भी काफ़ी फेमस है। यहाँ पे आप आपके स्टाइल के कपड़े भी कस्टमाइज कर सकते हो, आप फैब्रिक्स ये सब आप चूज़ करके आप यहाँ पे बना सकते हो आपको जैसे चाहिए वैसे। और प्राइसिंग भी लोकल जो मार्केट रहता है उससे कुछ 10% 15% एक्स्ट्रा रहेगा, पर आपको आपके साइज़ का यहाँ के मार्केट के जो कपड़े वो ले सकते हो। तो कुछ दो दिन मतलब आज और कल, अगर आज लोगे तो कल तक शाम तक मिल जाएगा आपका जो साइजिंग का जो हो रहेगा। एंड डिपेंड ऑन योर मीन्स आप कैसे सिला रहे हो उसके ऊपर भी है। तू जो सिंपल शिवते थे तुला दोन तासा मधे पण भेटेल। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं ओल्ड टाउन। आपको यहाँ पे हर एक जो भी यहाँ के जो घर है वो जो टाउन है ये आपको पूरा येल्लो येल्लो दिखेगा। कितने खूबसूरत मार्केट्स है। ये सब ना पहले घर थे, अभी यहाँ पे इन घरों में मतलब बहुत टाइम पहले लोगों ने होटल चालू किए और अभी ये पूरा एरिया टूरिस्ट प्लेस बन के यहाँ पे होटल शॉप और जो भी मतलब आप देख रहे हो ये सब इन लोगों के घर थे पहले। अभी हम ना एक जगह पे कॉफ़ी पीने के लिए रुके और यहाँ पे कॉफ़ी का जो रेट है वो 30,000-20,000 समथिंग आ रहा है। सो गाइस यहाँ से हमने अभी ऑर्डर किया है साइगा कॉफ़ी मिल्क विद शुगर और एक है वाइट कॉफ़ी विद मिल्क शुगर। और ये देखिए आपको यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, हर एक कॉफ़ी के साथ मिलेगा। ये टेस्ट को अपने बरकरार रखने के लिए, अगर आपका वो कॉफ़ी है वो ज़्यादा ही कड़वा होता है तो कड़वा होने के बाद वो जो नॉर्मल टेस्ट आने के ये वाला एक देते तो ये यहाँ पे आपको एज ए कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा। पहले तो हमें लगा कि ये लोग यहाँ पे सुबह दिन में दारू पीना क्यों चालू कर देते, बाद में पता चला कि ये तो ये पानी है जो कि आपके टेस्ट को फिर से वो नेचुरल में ला के रख देता है। यहाँ का ये ग्रीन टी है और ये कॉफ़ी शॉप भी देखो, ये लाइक एक होटल की तरह ही बना के रखा है पर बाहर तो नाम लिखा है कॉफ़ी शॉप। तो फाइनली हमने सोचा था कि इतनी सी कॉफ़ी आएगी 20,000 डोंग की और देखिए कितना मतलब सोचा था इतना और आया इतना बड़ा। ये कॉफ़ी है वाइट मिल्क कॉफ़ी विथ शुगर 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 और ये है साईगावची कॉफ़ी आलेली आहे या ठिकाणी साईगावचे पाहुणे कॉफी बनालेले आहेत। देखते कैसा है। अच्छा ठीक है हम ये भी ट्राई करते हैं। ये अच्छा है, ब्लैक कॉफ़ी की तरह ही आ रहा है इसका टेस्ट, पर ठीक है कुछ तो नया ट्राई करना था और कर लिया। तो चलिए पी के यहाँ से जर्नी स्टार्ट होगी हमारी आज के टूरिस्ट पॉइंट के लिए, तो मिलते हैं वहाँ पे। देख के आपको लगा हुआ कि हम कोई मुंबई के बांद्रा के गलियों में आए कि क्या, बांद्रा में भी एक ऐसा एक एरिया है जहाँ पे कुछ ऐसे ही ओल्ड टाउन वाला फील आएगा आपको। और अभी हम उसी गलियों में से घूम रहे हैं ऐसा लग रहा है। देखिए साइड में मंदिर है, फुल मंदिर है, ये प्रॉपर विलेजेस के अंदर से जा रहे हैं हम।
बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। का कुछ अलग ट्राई करने के लिए आज हम आए एक होटल में जो कि जिसका नाम है वी वेगन। ये इस होटल का नाम है, कैफे है, कैफे एंड रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पे ना रात को पूरा ना पब का पब पीने को पूरा सन्नाटा है ना। यहाँ पे हम अभी ट्राई करने वाले सी फूड पिज़्ज़ा ट्राई करने वाले, तो लेट्स सी। और उसकी जो प्राइसिंग है वो है 170,000 का। अगर इंडिया में काउंट करेंगे तो 600 रुपीज़ का होता है, क्योंकि इंडिया में भी 600-500 तक जाता है इंक्लूडिंग टैक्स। यहाँ पे कि यहाँ पे ना बहुत सारे शॉप में टैक्स लगा, और हम कल जहाँ पे गए थे वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट में टैक्स लगा था। तो वो उन्होंने बोला कि हमारे हर एक शॉप में टैक्स लगता है, पर हमें तो कहीं टैक्स लगा नहीं। लेट्स सी अभी इधर क्या होता है, इधर टैक्स लगता है कि नहीं। सो फाइनली 15-20 मिनट के वेटिंग के बाद हमारा पिज़्ज़ा आ चुका है, जिसके ऊपर कुछ तो पेड़ के कुछ पन्ने गिरे देख सकते हो। सो ये जो सी फूड पिज़्ज़ा है टेस्ट के लिए अच्छा है, और प्रॉन्स है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी ज़रूर ट्राई करना ये यहाँ पे या फिर कहीं भी अच्छा बना है। सो गाइस अभी यहाँ से ना हम आगे जा रहे हैं, और जस्ट होटल के सामने ये जो रिवर है उसका एक व्यू पॉइंट है, वो अभी हम यहाँ पे कुछ फ़ोटो शूट करेंगे, और उस फ़ोटो शूट को आपको दिखाएंगे हमारे इस नज़र से। व्यू देखिए यहाँ का, ये ब्रिज है, जिस ब्रिज के नीचे से ना सब लैंटर्न लेके ये ऐसे छोटे छोटे बोट्स यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होते हैं, और सब बड़ी बोट्स वहाँ पे, यहाँ से पूरा आप देखोगे तो छोटी छोटी बोट्स ही जा सकते हैं उस साइड। सो गाइस अभी हम सामने से ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज क्रॉस करते हुए यहाँ पे आए, और यहाँ से लेक के सामने का नज़ारा देखिए, सामने पूरा व्यू दिख रहा है कैसे, ऐसे लग रहा है कि गोवा के बीच पे आ गया हूँ, मतलब पेड़ भीड़ देखिए। और अभी हम जाने वाले यहाँ पे कोई एक टाउन है, उसको देखने जाने वाले हैं। अभी मिलते हैं आगे, यहाँ का कुछ अलग ही, क्या बोलते हैं इसको, उड़ता हुआ पंछी, उड़ता हुआ पंछी देखिए, ये देख के एक्चुअली असली लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है देखिए। और ये ऐसे जब उड़ता है ना तो ऐसा लगता है कि ये रियल है। ओके ओके, तो ये देखिए यहाँ पे हमें कुछ ट्रेनिंग दी जा रही है कैसे फ्लाई करना है। सो गाइस यहाँ पे एक ना जापानीज ब्रिज है, और अंदर भी बहुत सारे प्लेसेस है, पर ना ये ना अभी बिल्डिंग का काम चल रहा है, तो ये हमारा बैड लग है, नहीं तो हमें अंदर जाने के लिए और वो पूरा एक्सप्लोर करने के लिए मिलता था, अभी नहीं जा सकते। लेट्स सी अभी यहाँ से हम जाएंगे दूसरे प्लेस में जहाँ पे और भी एक्टिविटी रहेगी। तो गाइस ये जो आपको सामने जो आपको दिख रही है बोट राइड, इसके लिए आपको ना ऐसे इस रोड के सामने ना ऐसे स्टॉल दिखेंगे, जो ब्लू शर्ट पहने हुए दो जन रहेंगे। तो वहाँ पर आपको ना 1-3 पीपल का आपको प्राइस आएगा 150 VND, और 4-5 पीपल का आएगा आपको 200 VND, मतलब 2 लाख और 1.5 लाख। फिर यहाँ पे आएगा 20 मिनट्स का दोनों का राइड रहेगा, तो यहाँ पे भी ना आप ये रेंट कर सकते हो। तो ये 400 पर पर्सन का चार्जेस है, जिससे आपको पूरा ये घुमा सकते हैं लोग। और देखिए हो रहा है यहाँ पे भी सनसेट, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अभी यहाँ पे ना धीरे धीरे सब बोट वाले आ गए हैं और लाइन से खड़े हैं हमले के लिए। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखिए ये सब लाइन से भी बोट वाले खड़े हैं। और लाइक मैंने जैसे आपको बताया पहले ही 150,000 VND, जिसमें आपको 1-3 लोगों के लिए होता है, और एक है जो 4-5 पीपल जो है 2 लाख VND, और 150 मतलब हो गया 500 रुपीज़, 2 लाख मतलब हो गया 650 समथिंग। 2 hours later. Alien. Oh my god. Thank you.
रहा खूबसूरत सा नज़ारा शाम का होयान का, और अभी आप इसी नज़ारे को एंजॉय कर लीजिए। तो जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा है वैसे वैसे होयान सिटी और भी खूबसूरत होती जा रही है, और हम कुछ खूबसूरत से पल अपने इस ड्रोन में कैप्चर कर रहे हैं। बहुत 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 खूबसूरत लग रहा है। तो आप भी ड्रोन का शॉट एंजॉय कीजिए। आप यहाँ से देख भी सकते हो कि सनसेट का जो इफेक्ट बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सो गाइस, यहाँ पे ड्रोन फ्लाई करने के बाद अभी हम जा रहे हैं यहाँ से आगे, जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ की जो खूबसूरती आपने ड्रोन शॉट में देखी होगी। तो ड्रोन शॉट आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो गाइस फाइनली हम जा रहे हैं हमारा जो लैंटर्न वाला जो था, जहाँ पे आपको इस लेक के अंदर सब लैंटर्न दिखेंगे। ओ भाई थैंक यू भाई। सो फाइनली हमारी ये जो लैंटर्न राइड है वो स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ के बजे 8 और अभी मुंबई के बजे 6:30। सो हम अभी लाइक 1.5 घंटे आगे अपने इंडिया से, और कुछ इस तरह ये व्यू है। ये राइड टोटल ना 20 मिनट्स की होती है, 20 मिनट का हमारा टाइमर लग चुका है, और कुछ ये यहाँ का नज़ारा है। वाओ। सो गाइस फाइनली हम अभी उस गेट के यहाँ पे आ चुके हैं और गेट से आगे पास होने वाले हैं। तो देखिए यहाँ से पास होते वक्त ना हमें झुक के जाना पड़ेगा मोस्टली, या फिर हम बैठ के भी जा सकते वहाँ पर। ये ट्रैफिक बहुत हो गई है आज इसके यहाँ पे। कल यहाँ पे इतने लोग नहीं थे, आज बहुत लोग हैं देख सकते हो। मतलब कल लोग ऊपर थे और अभी लोग नीचे हैं। तो हम देखे कहाँ से जा रहे हैं अभी। ये अपना ब्रिज है और ब्रिज के जस्ट यहाँ से नीचे से जा रहे हैं। ये देखिए, अरे बाप रे। तो अभी हम देखो कहाँ से बाहर आ गए, ब्रिज के जस्ट यहाँ से बाहर आ गए। यहाँ से हमारी अभी जस्ट बोट राइड खत्म हो गई है और बाहर आ गए सेफली। जैकेट का तो हमने क्लिप लगाया भी नहीं था, जैकेट ना एक्चुअली उल्टा पहना था। हाँ उल्टा पहना था, एक साइड सीधा तो एक साइड उल्टा, दोनों का सीन था। मतलब जैकेट ही वैसे थे, बहुत टाइम होने के बाद आई थिंक वो जैकेट यूज़ हो रहेंगे ऐसा लगा मुझे। यहाँ पे कुछ अभी हम थोड़ा सा खाएंगे, थोड़ा नहीं पेट भर के खाएंगे, और फिर आगे जाएंगे अपने होटल पे। सो गाइस यहाँ पे जो लेक के सामने ना जो होटल है उसमें से एक होटल में आए हम लोग आके बैठे। क्वाइन वैन करके होटल का नाम है, जिस पे हमने फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर किया था और एक मैंगो जूस और एक कोको कोला। और अभी क्या ऑर्डर करने वाले अपन? ग्रिल राइस पेपर। ग्रिल राइस पेपर जो चिकन वाला हम ट्राई कर रहे हैं, ये यहाँ का ना वियतनाम का लोकल डिश है जो कि एक बार तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और यहाँ का जो कोको कोला की बॉटल है ये कुछ यहाँ पे 20,000 डॉन्ग की है, मतलब ऑलमोस्ट 60 रुपीज़ की। हमारे यहाँ पे भी कुछ 40 तक आ जाती है, 40-50 तक आ जाती है हर जगह पे। ये प्राइस है ना आपको मिलेगी नहीं इसकी, डिपेंड ऑन हाँ एरिया। अभी ये एरिया अच्छा है फिर भी यहाँ पे प्राइस अच्छी है। ये देखिए पूरा इनका होटल है जो कि एक घर है और घर के अंदर होटल है। ओके सो ये यहाँ पे हमारा आ गया है। इसका टॉपिंग मैं बता देती हूँ, ये ना राइस है तो ये लाइक पापड़ की जैसा ये रहता है तो राइस पेपर इसे बोलते हैं। और इसके अंदर जो ये जो है ये चिकन है, तो इन्होंने जो चिकन को है ना हम लोग जैसे एकदम पूरा पापड़ बनाते हैं चिकन को, सबको पूरा अंदर पापड़ है पूरा वेजिस है। सो ये सॉस के साथ भी खाएंगे अभी। ओके मायोनीज आल्सो नाइस एंड थैंक यू। अच्छा अच्छा लगता है ये चिकन को ड्राई करके फिर फ्राई किया है, अच्छा है। बट कुछ तो नया ऐसे जो जितने डिशेस ट्राई किया उससे भी ये काफ़ी अच्छा है। अच्छा चलो हम भी ट्राई करेंगे। तो इसको भी हमने और एक ऑर्डर किया है, ट्राई कर रहे थे। अच्छा है। मैं जब से आई थी मुझे ये खाने का मन कर रहा था, बट ऑलमोस्ट सब पोर्क बीफ वो वाला था। और यहाँ पे मैंने देखा उन्होंने लिखा था कि वेजिटेरियन, तो मैंने पूछा उनसे, ठीक है मुझे चिकन वाला मिला।
सो गाइस आज का वीडियो यही तक का। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। आज के वीडियो में हमने यहाँ की बोट राइड की थी, फिर हमने एक लैंटर्न भी बाय किया है वहाँ से, और प्लस बहुत कुछ एंजॉय किया था, होटल में भी गए थे। सो ये वीडियो यही तक का। आई होप आपको भी वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।